दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय थिंद आई हॉस्पिटल पठानकोट। किसान मजदूर एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, जटवा सरकार, जटवा सरकार, काला कानून, काला कानून, काला कानून। किसान आंदोलन के चलते आज पूरे 6 महीने हो गए हैं, जिसके चलते राहत न मिलने पर किसानों ने आज पंचकुला में मोदी का पुतला फूंक कर काला दिवस मनाया। एडवोकेट विजय बंसल ने बताया कि 7 साल की मोदी सरकार ने किसानों को धोखा देने का काम किया है। 3 काले कानूनों के प्रति पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए ये 3 काले कानून बनाए गए हैं। ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि 400 से ज्यादा किसान अभी तक शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। ऐसी दमनकारी सरकार कभी नहीं चलेगी जो सरकार अन्नदाता को सड़क पर ला रही है और भूखा मार रही है। आज 3 काले कानून के प्रति मोदी का पुतला फूंका गया, उसके बारे में बताइए। देखिए, आज 26 मई काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और जो ये सरकार है किसानों के साथ इतना धक्का कर रही है, आज तक माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों के बारे में एक भी बात नहीं की। जो इतने किसान हमारे शहीद हुए हैं, ना उन्हों के बारे में की। जब बिगाल इलेक्शन था तब इन्होंने जाकर यहाँ कोई भी हो सबसे पहले हटते थे, लेकिन एक जो इस देश का अन्नदाता है उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। हमारी से यही बेनती है, आगे जो भी किसान भाई हमारी ड्यूटी लाएंगे हम उनके साथ खड़े। आज 3 काले कानून के प्रति किसानों ने मोदी का पुतला फूंका, उसके बारे में बताइए। ऐसा है, आज मोदी की जो दमनकारी सरकार है उसको आज 7 साल हो गए हैं, और 7 साल में इस सरकार ने किसानों का, अगर हम खुद से चले, किसान वर्ग के साथ धोखा किया है। चाहे बोनस की बात है, घोटालों की बात है, आज एक 3 कानून बना के पूंजीपतियों को जो फायदा पहुँचाना चाहती है मोदी सरकार, ये काला इतिहास में ये जो इनका इतिहास है लिखा जाएगा। और 400 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो चुके हैं। ऐसी लोकतंत्र के इतिहास में ऐसी दमनकारी सरकार कभी नहीं आई, जो इतने देर में अपने देश के जो अन्नदाता हैं, जो अन्न इस देश को तरक्की में जिसका कृषि का योगदान है, उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, और उसकी दमनकारी और घमंडी सरकार का जो ये रोल है, और ये आंदोलन कोई हिंदुस्तान तक नहीं पूरे विश्व में इसके वो है। तो हमारी तो सरकार से आज भी यही मांग है, अगर उन्होंने थोड़ी सी भी उनके अंदर अपने देश के प्रति जिन लोगों ने उनको चुन के वहाँ पहुँचाया है, आज अगर उन्हें थोड़ी सी भी गैरत है तो उनको ये काले कानून वापस लेके किसानों का मानसम्मान बढ़ाना चाहिए। के प्रति आपने मोदी का पुतला फूंका है, उसके बारे में बताइए क्या है। आज से हमारे संघर्ष को 6 महीने हो गए हैं दिल्ली में, जो दिल्ली में मोर्चा लगा उसको आज 26 मई को पूरे 6 महीने हो गए, लेकिन सेंटर सरकार के ताल पे जो नहीं रेंग रही, इसके विरोध में हमने आज मोदी के पुतले जलाए हैं। ये काले कानून जब तक वापस नहीं होते, ये एजुकेशन ऐसे ही चलता रहेगा, किसान वापस नहीं आएंगे। ये मोदी का भुलेखा है कि शायद ये टाइम निकाल करके वापस घर को चले जाएंगे। 3 काले कानूनों के प्रति किसानों ने मोदी का पुतला फूंका है, तो क्या है ये? 3 कानूनों के कारण 6 महीने पूरे होने के, इसमें उन्होंने कानून आज सरकार के खिलाफ पुतला जलाया है, यहाँ पे 20% इकट्ठे हो गया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पंचकुला से मैनपाल कटकवाल की रिपोर्ट।